हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है 2523-8065, गाड़ी नंबर है। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का ड्राइवर साहब अंदर बैठे हुए हैं कि गियर नहीं लग रहा है और क्लच नहीं दब रहा है इसका, देख पा रहे हो गए। तो फ्रेंड्स, एयर तो फुल दिखा रहा है टैंकी में, ये देख सकते हैं आप लोग, एयर फुल है पूरा, 9 बार तक है एयरफुल है। तो इसका क्लच नहीं दब रहा है, मतलब इसका जो क्लच और गियर और हाइड्रोलिक सिस्टम में जो एयर आता है वो टैंकी में एयर नहीं है, ये तो बात फाइनल है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक नया कुछ मॉडल आया हुआ है, नया कुछ डिजाइन किया हुआ है टाटा ने। देख सकते हैं इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर नहीं है, कोई साउंड नहीं है इसमें, शाक सु कुछ भी नहीं है, एक टैंकी में एयर नहीं है, बात फाइनल है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, वेट बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया हुआ टाटा ने, इसे देख पा रहे हैं। ये हमने गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं बिना क्लच का गियर लग रहा है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं क्लच प्लेट गया होगा, बट क्लच प्लेट गया नहीं है इसका, बिना क्लच में गियर लग रहा है, बट क्लच प्लेट इसका गया नहीं है फ्रेंड्स। अभी गाड़ी यहीं पे मैं ठीक करके भेजता हूँ, आप देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिए, देखिए क्लच पूरा हार्ड हो चुका है इसका, क्लच में एयर नहीं है इसीलिए हार्ड है, क्लच तो पुश हो रही है बट गियर तो लगना नहीं चाहिए। क्लच पूरा दबा के गियर लगाने से तो लग जाएगा, बट ऐसे ही खाली गियर लगना नहीं चाहिए, आप सभी को पता होगा शायद ये बात, बिना क्लच का कोई भी गाड़ी में गियर नहीं लगता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है उसी के बारे में देखते हैं। प्रॉब्लम है ना, सिस्टम ही यही है, इसी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए गाड़ी का नीचे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें 4000 का टैंक रहता है, एक रहता है फ्रंट ब्रेक का, एक रहता है रियर ब्रेक का। ये फ्रेंड्स है फ्रंट ब्रेक का एयर टैंक है, इसमें एयर है फ्रेंड्स, इसमें एयर है। और ये रियर ब्रेक का है, पीछे वाला ब्रेक का, इसमें भी एयर है फ्रेंड्स। और दो ही टैंक में एयर है, और दो टैंक है, एक हैंड ब्रेक सिस्टम का है फ्रेंड्स, एक क्लच हाइड्रोलिक और गियर का सिस्टम है, जाता है एक टैंक से। सो फ्रेंड्स, ये वाला टैंक है हैंड ब्रेक का फ्रेंड्स, एक ही लाइन है खाली हैंड ब्रेक का यहाँ से, इसमें भी एयर है फ्रेंड्स। जो हम लगा वो अगला वाला टैंक है, वो है गियर क्लच और हाइड्रोलिक लिफ्ट ऊपर और डाउन करने का सिस्टम का फ्रेंड्स। ये टैंक में हवा नहीं है, ये देख सकते हैं इसमें हवा नहीं है बिल्कुल। इसी का चलते क्या हो रहा है, क्लच हार्ड हो गया और गियर लग रहा है अपने आप, गियर लग रहा है पर गाड़ी आगे नहीं जा रहा है, वो सबसे बड़ा बात हो गया फ्रेंड्स। तो देख पाएंगे शायद इसमें एयर नहीं है, सुन पा रहे होंगे इसमें एयर नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम हुआ क्या है, चलिए बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने एक नया डिजाइन किया हुआ है, इसका DDO ख़राब है, ख़राब मतलब इसको एडजस्ट करके मैं ले जाने वाला हूँ अभी, जैसे तैसे इस टैंक में एयर उठा के वर्कशॉप में ले जाएंगे, इसके फाइनल काम होगा, DDO को रिपेयर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये सॉकेट को थोड़ा, ये वाला बोल्ट को थोड़ा लूज करने से एयर घुस जाएगा, एयर तो उठा देंगे फ्रेंड्स, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसमें सबसे मेन वाला बड़ा वाला बात हो गया कि जो अभी ये टॉप कवर का ऊपर दिख रहा है, एक पाइप लगा और सेंसर लगा हुआ है, वो क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, वो अंदर गियर का फ्रॉक को लॉकिंग सिस्टम करता है। हवा नहीं होने से आपका गियर ऐसा लगता है कि लग गया, बट गियर लगता नहीं है। जो उसमें हवा का पाइप आया हुआ है, उसका अंदर एक वाल्व स्प्रिंग है, फिन है, वो क्या करता है, फ्रॉक को लॉक करता है। जब फ्रॉक लॉक होगा तो ही गियर लगेगा फ्रेंड्स, मतलब आप बिना हवा का गाड़ी आगे पीछे कर नहीं सकते, ये वाला बात है इसमें। तो इसको रिपेयर करके थोड़ा देखता हूँ फ्रेंड्स, देखते रहिए वीडियो का आगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इसको रिपेयर कर दिया, एडजस्ट कर दिया थोड़ा एयर को, तो अभी हवा तो हो गया, हैंड ब्रेक में थोड़ा हवा कम है,
हवा तो उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी चेक करेंगे इसका, अभी गाड़ी मूव होता है कि नहीं। हवा तो हो गया, पहले तो मूव नहीं हो रही थी, बिना क्लच में गियर लग रहा था। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्लच ब्रेक चला गया, क्लच ब्रेक फेल हो गया, बट ऐसा है नहीं। तो इसको चेक करते हैं। वही गाड़ी है, वही जगह है, देख सकते हैं आप लोग। कुछ खोला भी नहीं, गाड़ी लोड है, लोड गाड़ी खड़ी है। बंद कर सुन। तो इसका एयर चेक करने वाला, वो टैंक में एयर उठाए कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये टैंक में तो एयर उठ गया है। अभी गाड़ी आपका गियर भी लगेगी और जाएगी भी। गियर तो पहले लग रहा था, आपको लग रहा था कि गियर लग रहा है, बट अंदर से गियर नहीं लग रही थी। मेन बात वो है, आप कभी ऐसे रास्ते में धोखा खा सकते हैं, इसलिए वीडियो बनाया हूँ। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ ओनली फॉर न्यू मॉडल गाड़ियों का। तो फ्रेंड्स गाड़ी तो हो गया ओके, अभी भेजते हैं इसको वर्कशॉप में, DTU का रिपेयर करना है। तो अभी गाड़ी को रवाना करते हैं, पीछे पीछे हम भी रवाना होते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स 8065 वही गाड़ी है, वही प्लस। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। देखिए गाड़ी तो ओके हो गया। इसमें क्या है, जब तक गियर में एयर नहीं मिलेगा आपका गियर नहीं लगेगा, सिस्टम नहीं लगेगा, वही मेन बात है। जब आपका लीवर हिलाने के साथ हवा का आवाज नहीं आएगा तो आपका गाड़ी मूव नहीं होगी। जो ये मॉडल का गाड़ी है, जो 1150 न्यू मॉडल गियरबॉक्स आया हुआ है, न्यू मॉडल में तो गाड़ी आया हुआ कम से कम, ये मॉडल का गाड़ी आया हुआ कम से कम हो गया आपका 300। हो गया गाड़ी ओके। चलिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल का सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।